हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। 29 अप्रैल 2024 को ये विज्ञप्ति जारी की गई है। ये आपकी महत्वपूर्ण अपडेट है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इसमें आपके असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय चयन आयोग द्वारा 2021 की जो भर्ती थी उसके बारे में अपडेट दी गई है 29 अप्रैल 2024 को। देखिए इसमें क्या गया है। आयोग द्वारा सूचित किया जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय चयन आयोग 2021 के विज्ञापन संख्या 4 दिसंबर 2021, विज्ञप्ति दिनांक 19 जनवरी 2022 एवं दिव्यांगजन के पदों पर हेतु शुद्धि पत्र दिनांक 23 दिसंबर 2022 तक 22 द्वारा प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों में अंकित एपीआई स्कोर के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल के लिए संशोधित शॉर्टलिस्ट परिणाम दिनांक 4 मार्च 2024 को घोषित किया गया, जिसमें सफल अभ्यर्थियों से दिनांक 18 मार्च 2024 तक अभिलेख प्राप्त किए गए थे। प्राप्त अभिलेखों की समीक्षा के क्रम में असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विषय के लिए अनार्य सूची, अभ्यर्थी सूची एवं अधिमानी अर्हता विषय सूची से संबंधित सूचियों को आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov पर प्रसारित किया गया है। अनार्य सूची एवं अधिमानी अर्हता सूची के संबंध में अभ्यर्थियों को साक्ष्य सहित 13 मई 2024 सोमवार तक अभिलेख प्रमाण पत्र से प्रत्यावेदन आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। अंतिम तिथि 13 मई 2024 सोमवार के पश्चात अभ्यर्थियों के इस विषय में प्राप्त किसी भी अभिलेख सत्यापन प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। यह भी सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थियों को इस संबंध में डाक के माध्यम से प्रत्यक्ष सूचना प्रदान नहीं की जाएगी, यानी कि आयोग इस पर कोई विचार नहीं करेगा। 13 मई 2023 के यानी कि आयोग इस पर कोई विचार नहीं करेगा 13 मई 2024 के बाद में। इसलिए आप कोई भी प्रत्यावेदन लगाना चाहते हैं तो 13 मई 2024 से सोमवार तक प्रत्यावेदन लगा लें, उसके बाद में इसमें आयोग इसमें पृथक से कोई डाक द्वारा कोई सूचना नहीं दी जाएगी आपको। और इसमें यह भी कहा गया है कि 18 मार्च 2024 से अभिलेख प्राप्त किए गए थे, उसी के आधार पर जो भूगोल विषय है उसके आधार पर अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए गए। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद में उनका सूची को निरस्त कर दिया गया, जिनके डॉक्यूमेंट में कमी पाई गई। कमी के पश्चात आयोग ने इसमें एक अवसर और दिया है कि आप 13 मई 2024 सोमवार तक आप अपना प्रतिवेदन लगाएं, जिससे कि आयोग प्रत्यावेदन पर विचार करेगा कि इसमें क्या है, आपको विचार करने लायक है नहीं, उस पर देखेगा कि आपके पास डॉक्यूमेंट सही है नहीं है। यदि आपको डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं और आयोग ने इसमें आपका नाम हटा दिया गया है, तो यदि आप इसमें ले आते हैं डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने द्वारा और दिखाते हैं कि हमारा जो कि डॉक्यूमेंट सही थे, आपने फिर भी इसको हमारे सूची में अनार्य पाया गया है, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। यह आज की महत्वपूर्ण अपडेट थी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।